कुछ समय पहले की बात है, बेलापुर गांव के पास एक जंगल में एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जो भी जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन की बात है, हरिया नाम का एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी वहां हिरन आ जाता है। हिरन को देख हरिया हिरन को पकड़ने उसके पीछे दौड़ने लगता है। हिरन दौड़ते दौड़ते उसी गुफा में जा पहुंचता है जहां लोग जाने से डरते हैं। हरिया गुफा के बाहर खड़ा होके कहता है, अरे ये तो वही खौफनाक गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। हरिया डर से गुफा के अंदर ना जाके जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। और ये बात घर जाके अपनी पत्नी को बताता है। बिमला, आज मैं बाल बाल बच गया। आज मैं उसी खूनी गुफा के पास चला गया था जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। अरे बाप रे, आप वहां फिर कभी नहीं जाना? आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बिमला और हरिया उस रात बड़े डरे हुए से थे। बिमला भगवान का शुक्रिया करती है कि आज उसके पति की जान बच गई। अगले दिन हरिया और किशन दोनों जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। हरिया और किशन जंगल में लकड़ी काट ही रहे होते हैं, तभी वहां वही हिरन फिर से आ जाता है। किशन हरिया को कहता है, अरे हरिया देखो कितना सुंदर हिरन, चलो पकड़ते हैं। नहीं किशन, नहीं, इस हिरन को नहीं पकड़ना। हिरन दौड़ने लगता है और किशन हरिया की बात ना मानते हुए हिरन के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते किशन उस खूनी गुफा के सामने आ जाता है। हिरन गुफा के अंदर चला जाता है। किशन गुफा पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। उधर हरिया जंगल में किशन का इंतजार करता रहता है। ये किशन अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो उसी खूनी गुफा में तो नहीं चला गया? चलो चल के देखता हूँ। हरिया किशन को जंगल में ढूंढने निकल पड़ता है। हरिया किशन को ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आ जाता है। हरिया किशन के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हरिया को किशन नीचे पड़ा हुआ मिलता है। हरिया देखता है भूत ने किशन के शरीर को पूरी तरह से खाया हुआ था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे भाई जैसे दोस्त को भूत ने मार दिया। मैंने किशन को पहले ही समझाया था, इस हिरन के पीछे मत भाग, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। हरिया तुरंत वहां से गांव की ओर भागता हुआ जाता है और हरिया गांव वालों से किशन के मरने की खबर बताता है। गांव वालों, मेरे भाई जैसे दोस्त को आज भूत ने मार डाला। क्या कह रहे हो तुम हरिया, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, किशन को उसी गुफा वाले भूत ने मार दिया। उसके बाद सभी गांव वाले उस भूत को भगाने की योजना बनाते हैं। गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा से भूत को भगाने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं, वो शैतान भूखा है, इसलिए उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। हर रोज रात को
किसी भी एक परिवार से शैतान के लिए गुफा के बाहर उसका पसंदीदा भोजन रख के आना होगा, तभी वो शैतान लोगों को मारना बंद करेगा। बाबा की बात सुनते ही सभी लोग आपस में तय करते हैं कि बारी बारी सब लोग भूत के लिए उसका पसंदीदा भोजन गुफा के बाहर रख कर आएंगे। सब गांव वाले बारी बारी गुफा के बाहर भूत के लिए भोजन रख कर आने लगे। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में गुफा के अंदर भी जाता तो वो सही सलामत वापस भी आ जाता था।